खरगोन जिले के औद्योगिक क्षेत्र निमरानी में 2 माह पहले नकली बायोडीजल मामले में दर्ज किए गए प्रकरण के 4 आरोपित पुलिस ने पकड़ लिए हैं। चारों को शनिवार खरगोन न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें 7 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपा गया। उल्लेखनीय है कि निमरानी में 11 नवंबर को प्रशासन के करीब 6 विभागों के संयुक्त दल ने बायो डीजल पंप सहित यहां चल रहे 4 कारखानों पर छापामार कार्यवाही की थी, जिसमें टैंकरों में लाखों रुपए मूल्य का बायोकेमिकल पीडीएस गेहूं एवं यूरिया मिला था। इस मामले में कलेक्टर ने बिना अनुमति चल रहे इन कारखानों एवं पंप को अवैध करार देते हुए बुलडोजर चलाने की कार्यवाही करते हुए निर्माण को जमींदोज कर दिया था। बलकवाड़ा थाना प्रभारी RS ठाकुर ने बताया कि पुलिस, राजस्व, आपूर्ति, IT अभियोजन व अन्य विभागों के अधिकारियों की जांच समिति द्वारा परत दर परत जांच के बाद अवैध कारोबार उजागर किया गया। समिति ने बालाजी बायो डिजिटल पंप और इससे जुड़े गोडाउनों की जांच के बाद 3 अलग-अलग FIR दर्ज कराई थी। 2 FIR सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूँ और 1 यूरिया के अवैध संग्रहण, जिसमें बिना लॉट नंबर और बिना विक्रय दर व अन्य नियमितता पाए जाने पर कार्यवाही की गई। जबकि बायो डीजल के मामले में गहन और हर एक पहलुओं पर जांच के बाद पंप मालिक सहित सहयोगियों पर 3 FIR दर्ज कराई गई है। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। कर गया 4 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश भी किया गया था। कितने दिन की रिमांड मिली और क्या मामला? बायो डीजल के मामले में अपराध क्रमांक 407 और 408 और 403 के प्रकरण में इन्हें गिरफ्तार किया गया, जिसमें महेश अग्रवाल, मातादीन अग्रवाल, रौनक और पलाश 4 लोगों को गिरफ्तार किया। माननीय न्यायालय के समक्ष आज उन्हें पेश किया गया और 7 दिन का PR मांगा गया। माननीय न्यायालय ने 7 दिन का PR दिया और इस संबंध में हमें उनसे इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जब्त करना है और बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टिगेशन की चीज़ें हैं जो इनसे रिकवर करना है। क्या मामला? प्रशासन का बुलडोजर भी चला था, कार्रवाई भी हुई थी, पूरा क्या मामला? ये बायो डीजल के नाम पे केमिकल्स बेच रहे थे लोगों को और जनता को भ्रमित करके धोखा दे के एक तरह से केमिकल्स बेच रहे थे बायो डीजल के नाम पे। कितने करोड़ का सर इसमें माल पकड़ा? ये अब तक का सेल कर चुके 56,44,00,000 रुपए की इन्होंने सेलिंग की है। इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को 4 करोड़ की और सेंट्रल गवर्नमेंट को 4 करोड़ का इन्होंने GST कर अदा किया है। 56 करोड़ का माल? यस, 56 करोड़। कितने आरोपी? इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन में है, अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद बताएंगे कि और कौन व्यक्ति इनमें इन्वॉल्व है। कुछ परतें खुलती जाएगी, यदि ऐसा कोई इन्वॉल्व होगा, बड़े व्यक्ति भी कोई भी होगा, तो उसका नाम बढ़ा गया। ये आरोपी कहाँ से गिरफ्तार में आए थे सर आप? ये कुछ इंदौर की सीमाओं से और कुछ सेंधवा की सीमाओं से हमें पुलिस कस्टडी में लिया था और इनसे उस प्रकरण में पूछताछ की गई थी। क्या नाम है सर आपको? RS ठाकुर, थाना प्रभारी बलकवाड़ा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।